नमस्कार, आप देख रहे हैं जेम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। कच्चा बादाम गाने वाले सिंगर भुवन बड़िया का सोमवार रात एक हादसे में जख्मी हो गए। उन्हें पश्चिम बंगाल के बीरभूम स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर है कि सिंगर भुवन एक सेकेंड हैंड कार चलाना सीख रहे थे। इस दौरान हुए हादसे में उनके सीने समेत शरीर में दूसरी जगह भी चोटें आई हैं। भुवन बड़ियाकर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के कुरालजुरी गांव के रहने वाले हैं। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है। भुवन अब तक मूंगफली बेचकर गुजर बसर कर रहे थे। इस दौरान उन्हें ग्रामीण ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए कच्चा बादाम गीत बनाया और खुद के तैयार लाजवाब सुरों में गाना शुरू कर दिया। एकाएक उनका गाना किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो कि चंद दिनों में देखते ही देखते वायरल हो गया और मूंगफली बेचने वाले भुवन रातों रात देश दुनिया में फेमस हो गए। मूंगफली विक्रेता भुवन इस कदर फेमस हो गए, एक म्यूजिक कंपनी ने उनको लाखों रुपए का चेक सौंप दिया और उनके साथ एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज कर दिया। अब कई टीवी शो और प्रोग्राम से भी उनको ऑफर मिलने लगे हैं। भुवन ने कहा था कि चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे ताकि वो अपने रहने के लिए परमानेंट घर का इंतजाम कर सके, परिवार को पहनने के लिए अच्छा खाना और कपड़ा दे। कच्चा बादाम गाने वाले भुवन की यात्रा ने यकीनन आपको भी इंस्पायर किया होगा। कच्चा बादाम फेम भुवन की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे हैं। भुवन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब उन्होंने मूंगफली बेचना बंद कर दिया है क्योंकि वे सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।